हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, वो उस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, ट्रूली उनके इंटेंशन क्या है आपको लेकर, उस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो मेरे चैनल पर बहुत सारी रीडिंग्स हैं, स्क्रॉल करके आप अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। मेरे व्यूवर टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। मेरे व्यूवर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन उनकी तरफ क्या है, प्लीज़ माइंड दिस स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। वेट, हम थोड़ी सी इस रीडिंग को ओरेकल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, चले। प्लीज़ सेंड साइंस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है उनकी तरफ, प्लीज़ माइंड साइंस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है उनकी तरफ, प्लीज़ माइंड साइंस स्पीड गाइड मुझे बताइए। मेरे व्यूवर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है उनकी तरफ, प्लीज़ माइंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है उनकी तरफ। सेक्सुअल एनर्जी आपके पर्सन के, ऐसा लग सकता है आपको कि आपके पर्सन को, आपको अपने पर्सन को देखकर ऐसा लगता हो कि इनको सेक्सुअली एक एनर्जीज में ज़्यादा इन्वॉल्व है आपके पर्सन आपकी तरफ। ठीक है, विजडम बर्डन, आपके पर्सन के ऊपर किसी ना किसी तरीके का बर्डन है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अलाइन है, विजडम है उनके पास। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, आपका रिलेशनशिप का कनेक्शन डिवाइन टाइमिंग से है। ठीक है, यहाँ पे है होम नंबर 44, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 30 एंड नंबर 34। आपके पर्सन की एज या आपकी एज हो सकती है 25, ठीक है, 34 हो सकती है, और यहाँ पर है मेरे पास फ्रंट ऑफ द डेक है इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे है नंबर 33, 34। अब हम देखते हैं क्लारिफाई सेक्सुअल एनर्जी, प्लीज माइंड से स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या ट्रू इंटेंशन है उनकी तरफ, सेक्सुअल एनर्जी को क्लारिफाई करें। नाइट ऑफ फ्रेंड्स, आपको ऐसा इसलिए भी लग सकता है कि आपके पर्सन सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं आप में, क्योंकि वो इन एंड आउट करते रहते हैं, उनको सिर्फ अट्रैक्शन है। आपको ऐसा देख के लग सकता है अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को देखकर आपको ऐसा फील हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 of Swords, बिल्कुल आपको काफ़ी टाइम ऐसा लगा कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हैं खाली एक अट्रैक्शन की बेस पर। आपको ऐसा लगता है कि वो मेंटली आपके साथ गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं देते, आपको सही बात नहीं बताते, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता होता, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अट्रैक्शन की वजह से आपकी लाइफ में आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। क्लैरिफाई विजडम, ठीक है, दी मैजिशियन, आपके पर्सन आपको ट्रिक्स्टर लगते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि उनकी ट्रिकी साइड्स बहुत ज़्यादा हैं, और आपके पर्सन एक गुड लुकिंग भी हो सकते हैं और एक कोई चार्मिंग पर्सन भी हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग या अट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन अपनी फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा टिप टॉप रखते हैं, आपको इसलिए कुछ एक मैजिशियन टाइप रखता है। आपके पर्सन का इंटरेस्ट है अपने आप को यंग दिखाना। ठीक है, क्लारिफाई दी बर्डन, 10 of Cups, फैमिली का कोई ना कोई बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जब आपके पर्सन आपको क्लियरली कोई बात नहीं बताते, 9 of Swords, बहुत ज़्यादा अपने आप को, स्लीपलेस नाइट है उनकी, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में खुद को बहुत ज़्यादा स्टेप
फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है वो आपकी तरफ बिगनिंग तो करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक फूल की तरह एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन आपके लिए गलत नहीं है, उनकी फैमिली के बर्डन है, वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट कोई एक सेक्सुअली नहीं करते, ये तो एक ये ह्यूमन नीड्स है, इस पर नहीं जाते आपके पर्सन को ये तो चीज़ें हैं, आपसे अट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, तभी तो हैं आए हैं वो, ये चीज़ है, ये फैक्टर आपके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है, वो अपनी वो ऐसा नहीं है कि वो आपको खाली ब्रेड क्रम्ब देकर कहीं और पूरा पूरा अपना टाइम दे रहे, नहीं, वो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में स्टक है। ठीक है, मैरिड तो नहीं लग रही ये मुझे पर्सन, ये मुझे सिंगल ही लग रहा है, इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अगर कहीं कहीं ऐसा हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो। क्लारीफाई डिवाइन टाइमिंग, क्लारीफाई डिवाइन टाइमिंग, हमारे पास कार्ड आ गया है, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोट, आपके पर्सन आपको डिवाइन टाइमिंग पे क्लैरिटी देंगे, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन से, आपके पर्सन वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे। नाइट ऑफ कॉइन, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है, वो कहते नहीं है स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, बहुत ज़्यादा स्लो 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 स्लो, कोई डिसीजन कर लिया तो उसको उसके ऊपर काम कब करना है। आपके रिलेशनशिप में जो सारा मसला है वो डिवाइन टाइमिंग का, डिवाइन टाइम आएगा, एक न्यू बिगनिंग आएगी यहाँ पर, एस ऑफेंस एंड यहाँ पर है जस्टिस, जस्टिस जब होगा, जब डिवाइन टाइमिंग होगी, न्यू बिगनिंग जब होगी, जब यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग होगी, आपके पर्सन कुछ भी गलत नहीं कर रहे आपके साथ, वो किसी जिस फैमिली में या तो वो एक कहीं कमिटेड है या मैरिज में है तो वहाँ वो स्टक है, और अगर ऐसे नहीं है तो वो अपनी फैमिली में स्टक है, कोई ऐसा थर्ड अफेयर या फोर्थ अफेयर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, वो कोई इमेच्योर भी नहीं है कि फ्लर्टिंग करते घूमते हो, ऐसे वाले पर्सन मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो एक रिस्पॉन्सिबल हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फेंस, क्लैरिफाई नाइट ऑफ फेंस, सिक्स ऑफ फेंस एंड टू ऑफ कप्स, आपके पर्सन विक्ट्री चाहते हैं और यहाँ पे यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस बार आपके पर्सन की जो ट्रू इंटेंशन है वो है इस रिलेशनशिप पे विक्ट्री और टू ऑफ कप्स। ये तो मैंने आपका सिनेरियो निकाला था जहाँ आप अपने पर्सन को देखते हैं, ठीक है, मैंने आपके माइंड की चीज़ें क्लियर करी हैं, आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है। टेन ऑफ कप्स को सिक्स ऑफ कॉइन, इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, आपके पर्सन के जो ट्रू इंटेंशन है वो आपके लिए है इक्वल बैलेंस करना, अगर कोई और है उनकी फैमिली है उसको भी देना चाहते हैं और आपको भी देना चाहते हैं, आपके पर्सन से जो है ना एक वक्त में दो चीज़ें नहीं संभाली जाती, ऐसा हो सकता है कोई फैमिली मैटर हो, स्ट्रक है आपके ऊपर कोई ना कोई फैमिली इशू हो, या तो उनके पेंटिकल्स का प्रॉब्लम हो, उनके ऊपर ऑफिस में बर्डन ज़्यादा हो, कोई ना कोई बर्डन से रिलेटेड उनके साथ चीज़ें हैं, उनके कोई नेगेटिव ट्रेंड्स नहीं है, या तो उनकी कोई रंगीनियाँ नहीं है, या तो उनके कोई अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट कदम ब कदम इंटरेस्ट नहीं चेंज होते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्टक है आपके ऊपर, हैंग्ड है, ठीक है, सिचुएशन में स्टक हुए हुए। फोर ऑफ कॉइन, बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं आपको, ना अपनी ये स्टकनेस का बता पाते हैं, ना आपको अपनी फीलिंग का बता पाते हैं, ना आपको अपनी किसी भी प्रॉब्लम का बता पाते हैं। क्लारीफाई नाइट ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने आपका पास्ट में ऑफर रिजेक्ट किया हो, तभी इसलिए आपको लगा ये पर्सन सिर्फ मतलब के सेक्सुअली अट्रैक्टिव था या फिजिकली अट्रैक्टिव था। कन्फ्यूज़ है इस वक्त आपके पर्सन, इस रिलेशनशिप में वो चाहते तो क्लैरिटी लाना है लेकिन कन्फ्यूज़ है किस तरीके से आपको क्लैरिटी दें, आपको क्लैरिटी देंगे तो कहीं और जाकर स्टक हो जाएंगे, अगर वहाँ को छोड़ेंगे तो वो जहाँ भी वो स्टक है ना वो आपको छोड़ सकते हैं ना वो अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं। ये उनकी मुझे ज़्यादातर फैमिली कोई मैरिज सिचुएशन नहीं लग रही, एक उनके घर की सिचुएशन लग रही है, ऐसा हो सकता है घर में सबसे बड़े हो, प्रोवाइडर हो, प्रोवाइड करते हो, उनकी वजह से घर चलता हो, कुछ ना कुछ उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थ्रू है यहाँ पर। ठीक है, वो क्लैरिटी तो देना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है। नाइन ऑफ कॉइन्स, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, फाइनेंशियल अपनी चीज़ों पर बहुत वर्क कर रहे हैं आपके पर्सन, आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, आपके अंदर इमोशनली एक टच देखते हैं इसलिए आपके साथ एक विक्ट्री में आना चाहते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, आपको कोई कॉल या टेक्स्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। एट ऑफ सोल, अपने दिमागी स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं, जो आपके पर्सन काफ़ी टाइम से नहीं आ पा रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक है या तो उन्होंने आपको स्टक करके रखा हुआ है, वो चाहते हैं एक मैसेज से ये पर्सन का ये वाली चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, ये नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी अगर मैं इसको ये बात बता दूँ तो। ठीक है, क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स था हमारे पास, यहाँ पर आएंगे टू ऑफ कॉइन्स, बिल्कुल
वही आपको ऑफर प्रोवाइड करें या ना करें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दी टावर ऐसा होगा, सडनली आपके पर्सन आपको टेक्स्ट या कॉल करेंगे स्ट्रेंथ गैदर करके। आपके पर्सन ने पास में जो आपको रिजेक्ट करा है उसकी वजह से आपके पर्सन के पास स्ट्रेंथ नहीं है। दी एम्प्रेस, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। दी मून, लेकिन इल्यूजन्स बहुत है उनके पास। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। वो आपको प्रायोरिटाइज़ कर पाएंगे, वो आपको वक्त दे पाएंगे, वो आपको टाइम दे पाएंगे, और उनको ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अब ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। आप इनका वेट कब तक करेंगे? आपने अपने ऑप्शंस ओपन कर दिए। आपके पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करते हैं। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कॉइन, उनको ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हैं और अपने ऑप्शंस को आपने ओपन कर दिया। आप इस पर्सन का वेट करते तो कब तक करते? ठीक है, ये बात आपके पर्सन को हार्ट ब्रोकन कर रही है। मैंने थ्री ऑफ सोर्ड देखा है यहाँ पर। सोच रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। वो आपको शेयर भी नहीं कर सकते, वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते, लेकिन वो जहाँ स्टक हैं वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे। इतनी कोशिश के बावजूद आपके पर्सन की जो करंटली जो उनकी जो उनका इंटेंशन जो है वो हर्ट करना नहीं है आपको, आपको आपको सिक्योर करना, आपको प्रोवाइड करना, आपको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वो जहाँ स्टक है वो वहाँ फंसे हुए हैं। आपके लिए एस ऑफ पैंटिकल कोई ना कोई स्टेबल ऑफ़र आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप कोई भी आपको ब्रेड क्रम्स या ऐसा कोई ऑफ़र नहीं देंगे जो आपको खुश ना करें। ठीक है, फाइव ऑफ कॉइंस, आपके पर्सन को पता है आप लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं उनके बिना। आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिसेप्टिविटी दी है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेकिन इस पोजीशन पे अब आपके पर्सन आ चुके हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप चले जाएंगे उनकी ज़िंदगी से। व्हील टर्न हो चुका है, टेबल टर्न हो चुकी है। जैसी फीलिंग पास में आपकी थी, अब आपके पर्सन वो सब कुछ फील कर रहे हैं और आप थोड़ा एक रिलैक्सिंग पॉइंट पर हैं। आपने अपनी एफर्ट कर ली, टाइम पुट ऑन कर दिया, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है हो सकेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, आज़ान हो रही है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू। ठीक है।